नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में कुत्तों की दहशत, लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बीदर नगरसभा द्वारा दगापुरा क्षेत्र में नालियों की सफाई। कर्नाटका के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने बीजेपी की पदयात्रा को छवि खराब करने वाली योजना बताया। वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद लिम्बावली ने मॉनसून सत्र में पार्टी के प्रदर्शन की आलोचना की। जवरगी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन धर्म सिंह की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। यह आवारा कुत्ते सड़कों पर एक झुंड के रूप में फिरकर रास्ते पर चलने वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को घायल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस संबंध में आए दिन लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस संबंध में नगरसभा में भी शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कुत्तों की दहशत कम नहीं हुई। कहा जा रहा है कि नगरसभा ने कुत्तों को पकड़ने का टेंडर दिया है, लेकिन शहर में कुत्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। पकड़े गए कुत्तों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। आज शहर में कुत्ते दिन रात लोगों को परेशान कर रहे हैं। इन कुत्तों के कारण सड़क पर दो पहिया वाहन चालक घायल हो रहे हैं। इसके अलावा कुत्तों की दहशत से लोग भयभीत हैं। AIMIM के सिटी प्रेसिडेंट मिर्जा सफी बेग ने भी कुत्तों के संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर पूछा है कि कुत्ते पकड़ने की टीम कहाँ है और क्या कर रही है। बीदर शहर के दगापुरा चंदशाह कमान क्षेत्र में नगरसभा द्वारा नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्र में नालियों की सफाई को लेकर हमेशा शिकायत रहती आई है। इस पर क्षेत्र के काउंसलर दाऊद ने यह कार्य का जिम्मा लेते हुए कार्य का नेतृत्व किया है। क्षेत्र के निवासी और पत्रकार आलिम बंदानवाजी ने कहा है कि इस क्षेत्र में नगरसभा द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन काम पूरी तरह नहीं किए जाने से यहां सफाई की जरूरत आए दिन पड़ रही है, क्योंकि बारिश में नालियों में गंदा पानी पूरी तरह से नहीं बहकर सड़कों पर जमा हो रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। आज के इस कॉम्पिटेटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर, AICTE अप्रूव्ड एंड BTU अफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं, और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशन्स के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर
9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल बोर्नली बीदर अफिलेटेड टू CBSE, कॉन्टैक्ट नंबर 9742098299 6 9455 7190 8050 27 4555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने कहा है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष की बेंगलुरु से मैसूर तक प्रस्तावित 10 दिवसीय पदयात्रा उनकी छवि खराब करने की चाल है। शिव कुमार ने भगवा पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह उसके शासन के दौरान हुए घोटालों को उजागर करेंगे। शिव कुमार ने विधानसभा में सिद्धरामैया की मौजूदगी में मीडिया से कहा, भाजपा ने पदयात्रा करके हमें उनके गलत कामों को उजागर करने का मौका दिया है। हम पदयात्रा के दौरान दिन प्रतिदिन असमानताओं को उजागर करेंगे और पिछली भाजपा सरकारों के घोटालों को उजागर करेंगे, जिसका प्रस्ताव CM ने विधानसभा में रखा था। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली ने राज्य विधानमंडल के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में पार्टी के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह खेदजनक है कि हमारे पार्टी अध्यक्ष जो विधायक भी हैं और विपक्ष के नेता के बीच कोई सामंजस्य और समझ नहीं रही। उन्होंने कहा कि इससे सत्ताधारी पार्टी को पूरा फायदा उठाने की मदद मिली है। हमारे पार्टी नेताओं की हरकतें, जिन्होंने सदन में अवसर और समय का पर्याप्त उपयोग नहीं किया, पूरे सत्र को व्यर्थ गंवा दिया और जब एक दिन बाकी था तब सदन की कार्यवाही को कम करने में सत्ताधारी पार्टी से हाथ मिला लिया, संदिग्ध है। कलबुर्गी जिले के जेवरगी तालुके के नेलोगी गांव में एक दुर्लभ राजनेता, गरीबों के भाई अजात शत्रु, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन धर्म सिंह की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष पूजा कर सम्मानित किया गया। यह स्मृति कार्यक्रम लोकप्रिय विधायक एवं KKRDB अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के नेता चंद्र सिंह और संजय सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विजयपुर जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी डॉक्टर बसवराज हुबली और मलेरिया अधिकारी
संपत गुनारी सिटी प्राथमिक केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ईरननाथ धारवाड़कर, विजयपुरा नगर में स्वास्थ्य निरीक्षक साई प्रकाश आवाजी ने शहर के जय हनुमान नगर सीवरेज में मिट्टा पानी में पूरी तरह से गैप मछलियों को छोड़ने में सफल रहे हैं। लार्वा को नष्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद। ಕಪುಷಿಯಾಗಲಿ ಗಂಪುಷಿಯಾಗಲಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ವಿ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಟಾಫು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಓಗಳು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪಾಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ ತಮಸ್ತೆ रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने के कर्नाटक कैबिनेट के फैसले की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी और प्रहलाद जोशी ने कहा है कि यह फैसला दर्शाता है कि कांग्रेस को राम नाम से एलर्जी है. मंत्रियों ने यहां मीडिया से कहा यह राम और राम मंदिर के प्रति उनकी एलर्जी को दर्शाता है. यहां तक कि राम के नाम के प्रति भी रामनगर नाम का एक इतिहास है, क्योंकि सरकार ने जिले का नाम बदलकर इसके इतिहास को मिटाने का फैसला किया है. इसीलिए राज्य सरकार को जल्द ही इसके परिणाम भुगतने होंगे. इस बात मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने कहा. सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी. इसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं. नई सरकार के आते ही जिले का मूल नाम बहाल कर दिया जाएगा. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सिर्फ रियल एस्टेट का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार ने जिले का नाम बदलने का फैसला किया है. इससे केवल कांग्रेस नेताओं और उनके मंत्रियों को फायदा होगा, जिनके पास इस क्षेत्र में काफी जमीन है. विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी ने कहा है कि गुरुवार को संपन्न हुए सत्र के दौरान उन्हें स्टार प्रश्नों सहित 1251 प्रश्न प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें 93,000 रुपए खर्च करने पड़े, जहां तक एमएलसी ने सभी 90,000 ग्राम पंचायत सदस्यों का विवरण मांगा था. सभी विधायकों को अनुभव मंडप की तस्वीरें दी गई और 24 जुलाई को परिषद में 93% उपस्थिति देखी गई. सत्र 15 जुलाई से 25 जुलाई तक 8 दिनों तक चला. विधानसभा अध्यक्ष युति खादर ने बताया कि विधानसभा में 23 अधिसूचनाएं, 146 वार्षिक रिपोर्ट, 160 सीएजी रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट पेश की गई हैं. 8 दिनों में कुल 37 घंटे कार्यवाही चली. उन्होंने बताया कि 13 विधेयक पेश किए गए हैं, जिनमें से ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस विधेयक को छोड़कर 12 पारित हो गए हैं. इसे अब संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया है. रडार की मदद से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार अर्जुन द्वारा चलाए जा रहे ट्रक का पता चल गया है. जिला प्रशासन अब बचाव अभियान के लिए कमर कस रहा है और ट्रक को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. बचाव कार्य 9वें दिन शुरू हुआ तथा ट्रक जहां फंस गया था उसके निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं. ट्रक भूस्खलन स्थल से 7 मीटर और नदी तल से 5 मीटर नीचे दबा हुआ है. उत्तर कन्नड़ के एसपी नारायण ने कहा कि हमारे पास निर्देशांक है, अब हम ट्रक को निकालने पर काम कर रहे हैं. गोताखोरों की सहायता के लिए एक मंच बनाया जाएगा. उत्तर कन्नड़ की डीसी लक्ष्मी प्रिया ने कहा है कि गोताखोरों ने नदी की धारा की जांच की है, जो 6 नॉट से अधिक थी और गोताखोरों के लिए असुरक्षित थी. एक बार जब धारा गोताखोरों के लिए उपयुक्त हो जाएगी तो हम ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे. फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर. बीदर शहर में कुत्तों की दहशत, लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. बीदर नगरसभा द्वारा दगापुरा क्षेत्र में नालियों की सफाई. कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने बीजेपी की पदयात्रा को छवि खराब करने वाली योजना बताया. वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद लिम्बावली ने मानसून सत्र में पार्टी के प्रदर्शन की आलोचना. जवरगी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन धर्म सिंह की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई. केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही. देखते रहिए केपी न्यूज 24/7. धन्यवाद.